यार मेरे जो इस आस ते मर गए कि मैं उन्हां दे दुख दा बनावांगा गीत, जे मैं चुप ही रहा जे मैं कुछ ना कहा, बन के रूहां सदा भटकदे रहणगे, कुछ कहा तां हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा तां शमादान की कहणगे। अज दे प्रोग्राम सब तो पहला आप सारे दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद जी आया नूं। अज एक ऐसी शख्सियत नाल तुहाडी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्हां नूं पंजाबी व्यंग खेत्र दे विच नाटकां, फिल्मां अते वख-वख तरां दे मनोरंजन भरपूर शोआं दे विच तुसीं तकिया अते उन्हां दी कॉमेडी दा आनंद माणिया, अते विशा वस्तु हमेशा ही समाज सुधार दा रहा। उस समाज सुधारक नूं सियासत दे खेत्र दे विच प्रवेश करन तों बाद इस प्रोग्राम दे राहीं तुहाडे रूबरू कर रहे हां। साडी मुराद है उगे कमेडियन भगवंत मान जी तों जो कि वैनकूवर की फेरी ते ने। सब तो पहला मान साहब समूह दर्शकों वालों तुहानू जी आयां नूं स्वागत। मेरे वालों भी जी सारे दर्शकों जिहड़े इस वक्त देख रहे हैं प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मान साहब, एक कलाकार जदों सियासतदान बनता है तो उस दीयां भावनावां जिहड़ियां बदलदियां ने उसकी एक मिसाल तुसीं हो। तुहाडी जबानी असीं सब तो पहलां तुहाडी जिहड़ी संघर्ष की जिंदगी कलात्मक खेत्र ते फिर अगला पड़ाव सियासत दा उस दे बारे पहला संखेप जी जानकारी चाहांगे। मैं जी जिस तरह सारे जानते हैं कि मैं संगरूर जिले के सुनाम के नेड़े साडा पिंड है सतौज जी, बड़ा ठेठ मालवे का बचपन मेरा बीतिया। जिस तरह मालवे के बच्चों का लिबड़िया तिबड़िया रेत्या नाल खेड़दा है ना गलियां च सत्थां च। ते उस तो बाद कॉलेज शहीद ऊधम सिंह गौरमेंट कॉलेज सुनाम च मैं पढ़ता सी, ते पढ़ते पढ़ते ही यूथ फेस्टिवलों तो मेरिया कैसटा का सिलसिला शुरू हो गया जी। ते कुल्फी गर्मा गर्म, मिठिया मिर्चा, कोको दे बच्चे जी। ते मैनू कुछ भी नहीं पता सी कि शोहरत की होंदी है जी। पंजाबियों दे प्यार ने मैनू इस लेवल ते पहुँचाया। ते उस तो बाद जिन्ना चल सो चल सफर चलिया और जिन्ना मेरा करियर 17-18 साल का करियर हो गया मेरा, उहदे विच जिन्ना भी मैं कॉमेडी की है जिस तरह तुसीं पहलां कहा एक व्यंग होंदा सी। मैं मेरी सोच सी कि हसाउण दे नाल नाल जे कोई सुनेहा भी देईए समाज नूं सेध देण वाला जां समाजिक बुराइयां ते व्यंग करदे करदे नाल हसण दे नाल नाल थोड़ा जिहा सोचण ते भी मजबूर करिए तां शायद ज़्यादा वधिया तरीके नाल उह मैसेज इंटरटेनमेंट दे तड़के चला जांदा। ते उस तों बाद चलदे चलदे गए ते मेरा पहले दिनों इंट्रस्ट सीगा कि मैं साडे राजनीतिक ढांचे च जिहड़ियां गिरावटां जां जिहड़ियां कमियां देखदा सी मैं उहनां नूं, मेरे मन च सी बलबले कि मैं उहनां नूं दूर करन च योगदान पावां। पर जिहड़ा मेरा इंटरटेनमेंट दा फील्ड सी जिहड़ा मैं कॉमेडी वाला उहदे च मैं बथेरा पोलीटिकल सिस्टम ते करप्शन ते पुलिस ते लाया पर उह इक मजाक तक सीमित रह जांदा सी, इंप्लीमेंट नहीं होंदी सी मेरी सोच जिहड़ी। नहीं नहीं उही लीडर सुणदे वी सीगे पर हस के सार दिंदे सी। ते उस तों बाद मेरे दिल च बड़े बलबले ਧੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੈਸਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੋਰੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਸੋਚਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਢੋਲੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੈਨ ਡੋਰੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਵੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਕੋਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜਾ ਡਾ ਕੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ 64 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
मेरे पिंड मैं जे आपदे पिंड नूं भी पंजाब मान लां तां बिल्कुल सही उदाहरण है। अज तो 15 साल पहला जिहड़े वड्डे ट्रैक्टरां वाले जिमीदार सी प्रोफेसर साहब अज उह कोई सैकल ते सब्जी बेचदा है, कोई शैलर दे विच चौकीदार लग्गा है, कोई लेबर चौक च खड़दा है वी उहनूं कोई दिहाड़ी ते लै जाए। सो इंडिया ते भारत दा जिहड़ा फर्क है ना, मैं उस गैप नूं पूरा करना चाहुंदा। सो उस तो बाद मेरी सियासत दे विच एंट्री हुई है और मैनूं इस गल दा बड़ा खुशी ते सुकून महसूस हुंदा कि मैनूं पब्लिक ने एकदम असैप्ट कर लिया। मैनूं वधाइयां दे फोन आए ने, उह कहिंदे वी तुसीं पहलां जिस तरह चलदे सी उस तरह। सो मेरी इमेज एक इंटरटेनर नालों सोशल क्रिटिक दी ज़्यादा सी। सो मैनूं लोकी अपनियां दुश्वारियां नूं अपनियां मुश्किलां नूं सरकारां दे कन्नां तक पहुँचाउण दा एक जरिया मानदे सी। सो उही काम मैं हुण सियासत दे विच करूँगा।